हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी लास्ट वीडियो कुछ अच्छी नहीं गई, तो इसी के बारे में मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि क्या कमी थी वीडियो में। तो उसने अचानक से कहा कि शायद तेरे ऊपर शनि का साया लग चुका है या नज़र लग चुकी है, इसीलिए तेरा इस तरह का कोई भी वीडियो अच्छा नहीं जा रहा। एक तो इस देश में इतने चूतिए सुपरस्टिशंस है, क्या ही कहें, इनकी सोचने की कोई सीमाएं नहीं होती, इन्फिनिटी तक इनके सोच हो सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला, काली बिल्ली। इस देश में शुरू से रेसिज्म था, काली बिल्ली इक्वल्स टू अपशगुन। अगर आप अपने काम से कहीं जा रहे हो और काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, तो सोच लो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप कितना ही जोर लगा लो, आपका काम होगा ही नहीं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा और फिर मैंने रास्ता क्रॉस किया? नहीं, क्या होगा, मेरा लौड़ा लुल्ली बन जाएगा क्या? दूसरा है काला धागा और बच्चों के लिए माथे पे काली बिंदी। अगर ये आपके पास हो तो आपको नज़र लग ही नहीं सकती, आप एकदम अमर हो, आपको कोई प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, हमें इस ब्लैक कलर से प्रॉब्लम क्या है? मतलब जहाँ कहीं भी देख रहे हो ये लोग ब्लैक को ही घुसा दे रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है ब्लैक कलर से? अगर काली बिंदी लगाने से या काला धागा पहनने से कोई अमर होता तो मैं तो बिल्कुल भी अमर ही हो जाता, मुझे तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, तो ऐसा करो ना कि हमारे जो आर्मी वगैरह है वहाँ पर ट्रेनिंग देके भर्ती मत लो, देखो जिनके पैर में काला धागा है उनको भर्ती ले लो और वो जाके लड़ेंगे, हम उन्हें तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास है ना काला धागा। मुझे लगता है कि कोई होगा लंड फकीर बुद्धि वाला बहुत साल पहले, जिसकी गांठ पूरी काली होगी और किसी ने वो देख लिया होगा, फिर उसने अपने बचाव में ये सब चुतियापा फैलाया होगा। तीसरा है, पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कुछ कुछ केस में पेड़ भी बदल जाते हैं, कोई कोई बोलता है पीपल का पेड़, कोई कोई बोलता है नीम का पेड़। उनके कहने का मतलब ये है कि पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे अगर आप रात को सोओगे तो भूत आके आपका रेप कर देगा। भोसड़ी वालों, मुझे एक बात बताओ, भूत का कोई काम धंधा है नहीं जो वो पूरी दुनिया को छोड़ के मुझे रेप करेगा? और हाँ, मैं नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे क्यों सो रात को? मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा है या मैंने किस पागल कुत्ते को काटा है कि मैं सो, और अगर सो भी लूँ तो क्या होगा? लॉजिकली कहता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ रात को छोड़ते हैं, पर नहीं, लॉजिक की तो अरे माँ चुदी पर ही है। हमारे यहाँ बस एक ही रिवाज, अगर कोई भी कुछ बात अगर नहीं मान रहा होता ना तो कह दो इससे भूत आता है, वो बात ज़रूर मान लेगा, वो क्या उसका पूरा खानदान वो बात मान लेगा। और अभी चौथा है, शनि का साया। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही या कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है तो उससे उसका प्रॉब्लम मत पूछो कि वो डिप्रेशन में है या कुछ और है, कुछ और बात हो भी सकती है, पर नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या हुआ है, शनि का साया है, अब तुम्हारा काला धागा कहाँ गया? अगर उसने काला धागा पहना होगा और वो बार बार फेल कर रहा होगा तो? और तो और, शनि प्लेनेट हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, वहाँ से उसका साया तो क्या वो खुद भी हमें देख नहीं पाता होगा? और अगर बात कर लेते हैं भगवान शनि देव की, तो उन्हें कोई तो काम है नहीं, वो दुनिया में अरबों लोगों को कुछ छोड़ के तुम जैसे भोसड़ी वाले के पीछे अपना 7 साल बर्बाद करेंगे। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उससे उसके प्रॉब्लम के बारे में मत पूछो, घर में हवन करवाओ और उसे एक अंगूठी पहना दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यहाँ तो हर रोज़ एक एक नए बाबा पैदा होते हैं, पता नहीं कहाँ से, कुछ कुछ बाबा होते हैं जिनकी बातें लॉजिकली होती है और उनका बात मानने का भी दिल करता है, और कुछ होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, उनके लिए हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, पूजा करवा लो बस। और अगर पूजा करवाने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसमें आपकी गलती है, आपने ठीक से पूजा नहीं किया होगा, आपने दिल से भगवान को नहीं बुलाया होगा, उनकी तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो है ना बाबा हमारे, वो कैसे कोई गलती कर सकते हैं भाई। यहाँ लॉजिक कोई नहीं चाहता, सबको बस मैजिक चाहिए होता है, कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, सबको सुपरस्टिशंस के ज़रिए, शॉर्टकट के ज़रिए अपनी मंजिल हासिल करना है। जब तक हम जैसे लोग लॉजिकली नहीं सोचेंगे तब तक इनका धंधा चलता रहेगा और ये हमें डराते रहेंगे। जिस दिन हमने लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया तो उस दिन से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुपरस्टिशन इस देश से हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके थॉट नीचे कमेंट ज़रूर कर देना।